आइए फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोगों को डिप्रेशन के इसमें हमारे पास में आते रहते हैं और मैं उनको भगवद गीता के बारे में काफी सारा बताते रहता हूँ। वो जो डिसीजन है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि आपने सुना है 5000 साल भगवद गीता भगवान ने बोल के अभी हो गए 5000 साल करीब करीब। अर्जुन डिप्रेशन में थे, अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और वो लड़ने को तैयार नहीं थे। कभी मेरे को नहीं लड़ने का है क्योंकि मेरे आप्तजन स्वकीय जन सामने, उनको मैं कैसा मारूं। वहां भगवान कृष्ण ने वहां भगवत गीता उसको जो बताया उसके बारे में कुछ जो नियम है वो आपको बता रहा हूं मैं। एक तो ऐसा है कि अर्जुन को भगवान ने ये बताया कि भाई कोई भी डिसीजन जो है वो आप इमोशंस के ऊपर मतलब भावनाओं के ऊपर मत लिया करो। कोई भी डिसीजन भावनाओं के ऊपर मतलब भावनाओं के बेस के ऊपर कोई भी डिसीजन लेने का नहीं है। क्या होता है कि हमारा कुछ कर्तव्य है, वो कर्तव्य जो है वो करना चाहिए। जैसा अभी बच्चे बोलते नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने टीवी देखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भी व्हाट्सएप या कोई इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कोई पिक्चर देखना चाहिए, मतलब जो भी है तो या टीवी पे पिक्चर देखना है, तो वो कर्तव्य क्या है, भावना क्या बोल रही है उसके बदले कर्तव्य क्या है जरूरी है। तो पहला जो लेसन बताया हुआ है कि भाई आप जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजंस जो है वो भावनाओं के ऊपर मत लेना है, जो कर्तव्य करना चाहिए वो कर्तव्य का डिसीजन लो। नंबर दो जो है कि बहुत खुशी जब है या बहुत जब आप दुखी है तो तब डिसीजन कभी लेने का नहीं है। मतलब आपके एक्सट्रीम इमोशंस है, बहुत ज्यादा इमोशन, बहुत खुशी है या बहुत दुख है, बहुत क्रोध है या बहुत मोह है, बहुत ही क्रोध है या बहुत मोह है, अटैचमेंट है, तब भी डिसीजन लेने का नहीं है क्योंकि वो जो है वो गलत डिसीजन हो सकता है। तो जब आप कोई डिसीजन लेते हैं देखना है कि मैं कोई इमोशंस में डिसीजन ले रहा हूं क्या। नंबर तीन मुझे बताया कि भाई हरदम रिजल्ट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं तो रिजल्ट्स के ऊपर फोकस मत करो। निष्काम कर्म का भगवान ने जो बताया, भगवान कृष्ण बताया है कि कर्मण्ये वाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में क्या है, कर्म आपके हाथ में, आपके हाथ में है परफॉर्मेंस, आपके हाथ में है एक्शंस, रिजल्ट्स के ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल हो ही नहीं सकता। इसलिए आप कर्म करो, निष्काम कर्म का संदेश भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने दिया हुआ है। नेक्स्ट चौथा जो नियम बताया उन्होंने कि बिना विश्वास से कोई भी काम मत करो। यदि आपका उसके ऊपर विश्वास नहीं है, आप ही कन्विंस नहीं है कोई चीज करने के लिए, आपके मतलब आप उसके ऊपर ना विश्वास करते हैं मतलब बिलीफ जो है वो, या आपका उसके ऊपर फेथ जो है वो नहीं है, तो आप काम मत करो। क्योंकि यदि आप ही अंदर से टूटे हुए हैं तो वो काम जो है वो सक्सेसफुल कभी होगा ही नहीं। क्या होता है कि जो लोगों का अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो वो काम कभी अच्छा नहीं हो सकता है। आपका आपके ऊपर नहीं है, आपके काम के ऊपर विश्वास नहीं है तो कभी होगा ही नहीं। पांचवा जो है वो है कि आपके जो गोल्स है वो कभी भी सामान्य आदमी जो है उसके गोल रहते नहीं है, छोटे रहते हैं, आपके गोल्स हाइयर रहो, क्योंकि आपके आपको लोग फॉलो करेंगे। भगवान ने बताया अर्जुन को कि आप इतना बड़ा काम करो कि वो उसका नाम लिया जाए, तो ऐसा बड़ा, तो आपके गोल्स जो है वो बहुत बड़े होना चाहिए, आपको लोगों ने फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट छठवा जो पॉइंट बताया कि भाई आप बदलाव से मत डरो, बदलाव जो है वो होना ही है, आप नहीं करोगे तभी बदलाव, बिकॉज चेंज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। भगवान ने बताया, अर्जुन बोले कि नहीं, अर्जुन अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते थे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, उनको बोला जो चल रहा हो चलने दो, बोले वो कंफर्ट जोन में मत रहो, बदलाव तो आना ही है, चेंज इज इनएविटेबल, तो कंफर्ट जोन के बाहर आके काम करना है। जो बदलाव हो रहा है तो बदलाव से कभी डरना नहीं है, चेंज होना ही है और चेंज को आपको फेस करना पड़ेगा, तो ये बताया। नेक्स्ट सातवां जो नियम उन्होंने बताया कि भाई आप क्या होता है कि अपने अंदर ही अंदर यदि आप सोचते रहेंगे कुछ भी और अंदर ही अंदर उसके बारे में सोचते सोचते रहेंगे तो उसमें अंदर घुस जाएंगे अंदर, तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। हरदम आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपके मन में आ रहा है डिसीजन लेने के पहले आप किसी से चर्चा करो जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, जो आपको कुछ बोल सकता है, कोई सजेशन दे सकता है। जब आप बोलते हैं ना जोर से तो फिर आपको ही पता चल जाता है कि भाई मेरी कोई गलती हो रही क्या, सामने वाला भी उसमें कुछ ऐड कर सकता। तो ये हो गया सातवां पॉइंट। आठवां पॉइंट जो है और आठवां नियम जो है वो है कि जवाबदारी लो, जिम्मेवारी। क्या होता है कि हम जिम्मेवारी लेते नहीं, जो भी काम है अपना लाइफ है उसकी जिम्मेवारी लो। आपके भगवान ने बताया कि अर्जुन आपकी जिम्मेवारी है और आप जिम्मेवारी से काम करो तो ये होगा, तो उन्होंने वहां जिम्मेदारी का जतन करने के लिए उनको बोला, जिम्मेवारी लेने के लिए बोला और जिम्मेवारी लेके काम करने के लिए बोला। तो जिम्मेवारी लो और कोई भी निर्णय लेना है तो वो निर्णय जिम्मेवारी से लो और उसको पार करो। नेक्स्ट जो नौवा है वो है कि समाज के लिए जो भी चीज अच्छी है वो करो, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि आपको फायदा हो रहा है समाज को नुकसान हो रहा है, तो वो चीज कभी मत करना। आपको भी फायदा हो रहा है समाज को भी फायदा हो रहा है, उल्टा समाज को फायदा हो रहा है तो आपको फायदा होगा ही होगा, तो जो समाज के फायदे की चीज है वो करो। नेक्स्ट दसवा जो उन्होंने बताया कि अपने शब्दों का इस्तेमाल ऐसे करो कि जिससे वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा, मतलब दुनिया क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप जो बोलते हैं
वो वास्तव में आते रहते, जो आप बोलेंगे वो वास्तव में आएंगे, है ना। मतलब ऐसा मराठी में बोलते शुभ बोल रहे नारे आप, इसका मतलब यह है कि भाई शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि आपका हर शब्द जो है वो ये स्पेस में वातावरण में जाता है, और वो जो शब्द बोलते हैं वो शब्द से वातावरण, वो शब्द से दुनिया क्रिएट हो जाती है। तो हरदम ऐसा बोलो कि मुझे अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो लोगों को उसका फायदा हो जाएगा। तो आपका शब्द जो है वो दुनिया क्रिएट करता है, ऐसा भगवान ने बोला हुआ है। तो ऐसे उन्होंने जो 10 नियम बताए, इसका आप यदि पालन करेंगे तो डेफिनेटली कोई भी डिसीजन लेने में आपको बहुत सहायता हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।